गॉड, इसका फेस कितना गंदा लग रहा है और डेंजर भी लग रहा है। वाव, जो भी हो दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है देखने में, यकीन मानिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नया आपको दिखाने वाला हूं, जो कि ये फिश एक्वेरियम है। ये वाईजैक में बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है। एक्वेरियम एक मछली घर होता है जिसमें तरह तरह की मछलियां स्टोर करके पर्यटकों को दिखाई जाती है। तो थोड़ा सा इसका लोकेशन आपको बता दूँ तो ये आर के बीच साइड में है, नोएटल होटल के पास में ही है। कहीं भी आप पूछेंगे कि नोएटल होटल कहाँ है, तो नोएटल होटल आप पहले उतरेंगे और होटल के जस्ट पास में ही है। किसी से भी आप पूछ सकते हो वहाँ जाके कि फिश एक्वेरियम किधर है, तो कोई भी बता देगा। तो चलिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अंदर आ चुका हूँ और ये मछली देखिए, आपको तरह तरह का मछली देखने को मिलेगा। इसका नाम जैसे आप देख सकते हैं, जेंट ग्वार्मी है। चलिए कुछ और देखने का कोशिश करते हैं, बने रहिए, आगे चल के आपको बहुत अच्छा अच्छा फिश देखने को मिलेगा, यकीन मानिए, जो जीवन में आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। तो एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं मछली के साथ साथ उसका नाम भी दिखाने का कोशिश किया हूँ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं भी मेंशन करके ज़रूर बताऊँगा। आपको तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। वैसे तो शॉप में जाके देख सकते हैं तरह तरह की मछलियाँ, लेकिन अभी आगे जो जो बड़ी से बड़ी मछली देखने को आपको मिलेगी ना, यकीन मानिए, आपको कहीं नहीं देख पाएंगे, बस यहीं आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। ये सिल्वर है, कुछ कुछ इसमें जो है एक्वेरियम वो खाली भी है, हो सकता है कि नया फिश आने के लिए खाली रखा गया हो, लेकिन सारे खाली नहीं है, बहुत सारे में है। जैसे एक आध दो ठो आपको देखने को बीच बीच में मिल सकता है कि खाली एक्वेरियम है, जिसमें नई मछली हो सकता है कि म्यूजियम वाले जो भी हैं वो डालें, तभी जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और बहुत सारे आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे, अभी जस्ट ए बिगिनिंग है, क्लाइमेक्स तो एंड में होने वाला है। तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ये शंख है, इसमें मछली बिल्कुल नहीं है, ये शंख रखा गया, हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें भी लोग मछली डालें। अभी ये आप छोटी छोटी मछलियां देख रहे हैं, आगे चल के भी देखिए देखने को आपको क्या क्या मिलता है, आप खुद ताजुब खाएंगे। ये देखिए, इसका तो नाम आपको मालूम ही होगा, कछुआ। वही कछुआ तो लोग बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा कछुआ बहुत कम लोग देखे होंगे। तो आइए हम आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें लाइट्स नहीं है ना, इसके अंदर लाइट लोग नहीं जलाए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कट देखने को मिले। ये देखिए, ताक रहा है मेरे को, ताक रहा है। वाव, अच्छा बेटा, क्या ताक रहे हो?
ये देखिए, पता नहीं ये कौन सी मछली है दोस्तों। अगर मैं ये जितना भी मछली आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर इसमें से कोई भी नाम मालूम हो तो आप जरूर बताइएगा। क्योंकि बहुत सारा मेरे को मालूम है, बहुत सारा नहीं मालूम है। एक्चुअली पूछे तो मेरे को एक भी नहीं मालूम है, जो नाम लिखा है उसी को देख के मैं बता सकता हूँ कुछ कुछ। लेकिन बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो पहले से जानते होंगे नाम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी बिगनिंग है, बने रहिए, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओह गॉड, कितना डेंजर भी लग रही है। मैं अभी कोशिश कर रहा था क्लीन करने का कि थोड़ा सा और क्लियर दिखे, लेकिन क्लीन नहीं हो पाया। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये ब्लैक कलर की। अब क्या नाम है मेरे को तो नहीं मालूम, ये एक्वेरियम के अंदर ही है, जो फुहारे टाइप का बनाया गया है दर्शकों को लुभाने के लिए कि ताकि अच्छा लगे। मतलब सारा दृश्य इसमें कैसा किया गया है कि हाँ लगे कि आप एक्वेरियम में आए हैं, मछली घर में आए हैं। जस्ट एक शो केस है, जो लोग तरह तरह के बाजार से उठा के मछलियाँ ला के स्टोर करके दर्शकों को दिखाते हैं। जी देखिए, कितनी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी लग रही हैं सब। इसका पैरट फिश नाम है, जैसा कि आपको ऊपर अभी देखने को मिला होगा। आपको किसी भी मछली का नाम मालूम हो कि कौन सी मछली बोली जाती है, किस कैटेगरी में आती है, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम ये भी देखेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है। खा ले बेटा, खा ले मेरी उंगली, खा ले, ले खा ले, ले ले, ले, ले। देख तेरी दोस्त आ रही है, इसको दे रहा हूँ। ओहो, मैं भी तो भूल गया ना, तुम लोग शीशे के अंदर खाओगे कैसे। लेकिन बहुत प्यारी लग रही है तुम लोग। वाओ, ये देखिए, इसमें आपको तीन चार कलर का देखने का मिलेगा। एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, एक ग्रे है। ये देखिए, तो दोस्तों इसका नाम बता सकते हैं आप क्या है? अगर आपको मालूम है तो ज़रूर नाम बताइए क्या है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे को तो नहीं मालूम है। लेकिन ये भी बहुत डेंजर लग रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा राइनोसेरस की तरह लग रहा था इसका फेस। ये देखिए, ये अभी खाली है मेरे ख्याल से, इसमें नई मछली रखी जाएगी। इसका जो फेस है तो बड़ा नुकीला है, किसी को मार देगी तो खत्म ही हो जाएगा।
तो हम बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिरी में क्या रखा गया है। ये मेरे ख्याल से अभी जो लास्ट वाला हमने देखा उसी की तरह लग रही है। इसका ब्राउन एरोवाना नाम है। अगर आप वीडियो पॉज करके नेम पढ़ेंगे तो उसका कैटेगरी भी मेंशन है, देख सकते हैं कि टाइगर शार्क है। और ये बिल्कुल देखिए, मतलब कि शार्क की तरह लग ही रही है। ये भी उसी कैटेगरी में टाइगर शार्क ही है। ओ गॉड, इसका फेस कितना गंदा लग रहा है और डेंजर भी लग रहा है। वाव, जो भी हो दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है देखने में, यकीन मानिए। बस थोड़ा सा लाइटिंग और रहता ना बाहर में तो वीडियो थोड़ा सा और अच्छे से रिकॉर्ड हो पाता, पर कोई बात नहीं, फिर भी मजा तो आ ही रहा है। एजेंट ग्वारमी है। ये ऑस्कर है भाई, मैं भी पहली बार ये सब नाम सुन रहा हूँ, बस जो ऊपर लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा मुझे पहले से मालूम है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी मछली का नाम मुझे नहीं मालूम है, मैं जो सामने लिखा है उसी को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। वाह, ये देखिए, ये भी काफी प्यारा है। इसका नाम है पाइरान्हा नाम है। अभी कौन सी मछली होती है भाई मुझे नहीं मालूम, आप लोग को कोई भी जानकारी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मैंने कोशिश किया कवर करने का बहुत सारी चीज, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।